सो गाइस कैसे हो यार सब लोग। और आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी एक इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। अगर आप अपनी इस तरह की खुद की फ़ोटो की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो अमेजिंग लगने वाली। तो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करने क्या होता है, घंटी का निशान है उससे आपको प्रेस करना है। वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले गाइस आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा प्लस का आइकन क्लिक करना है और कुछ साइज शो कर रहा है आपको 1.1 वाला साइज सेलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा मीडिया क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे, आपने कुछ फोटो सिलेक्ट करनी। ओके, तो मैं कुछ फोटो सिलेक्ट करता हूँ। फोटो सिलेक्ट करने के बाद टिक पे क्लिक करा। गाइज देख लीजिए फोटो आ चुकी है। जो फोटो है इनका साइज़ छोटा है, इनका साइज़ बड़ा करना है, तो मैं फोटो का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। फोटो वाले लेयर पे क्लिक करा और साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है उस पर क्लिक करना और आपने फोटो में जूम करना है। जूम करने के बाद गाइज देख लीजिए फोटो का साइज़ फुल हो चुका है और बगल में एक ऑप्शन से डबल लाइन क्लिक करना और टिक पे क्लिक करना है। आपने जितनी भी फ़ोटो सेलेक्ट कर रखी है आपने सभी का साइज़ फुल करना। ओके, तो मैं साइज़ फुल कर लेता हूँ। सो गाइज देख लीजिए सभी फोटो का साइज़ फुल हो चुका है। अब करना क्या, जो फोटो है इसमें ग्राफिक्स ऐड करना है और ट्रांजिशन ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले ग्राफिक्स ऐड कर लेता हूँ। एक फोटो वाली लेयर पे क्लिक करा और साइड में एक ऑप्शन से बड़ा क्लिप ग्राफिक्स क्लिक करना है। और गाइज मैंने कुछ ग्राफिक्स से डाउनलोड कर रहे हैं, आपने इस ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा, आपको नीचे खिसकाना है और एक ऑप्शन शो कर रहा है गेट मोर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज देख लीजिए ओपन हो चुका है। जब भी आप ओपन करो आपका नेट कनेक्शन ओपन होना चाहिए और साइड में ऑप्शन से मॉडर्न सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज देख लीजिए कुछ ग्राफिक्स आ चुके हैं, आपने उस ग्राफिक्स को ढूंढ लेना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आ चुका ग्राफिक्स, आपने इस ग्राफिक्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद गाइज देख लीजिए ग्राफिक्स आ चुका है, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ फर्स्ट में। ठीक है, और टिक पे क्लिक करा, जो सेकंड फोटो है क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करना है, उस ग्राफिक्स को ओपन करना है। ठीक है, तो ओपन करता हूँ और मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। गाइस देख लीजिए लग चुका ग्राफिक्स, आपने इस तरीके से ग्राफिक्स ऐड कर लेना है। ठीक है, आपने जितनी भी फोटो सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है, ऐड कर रखी है, सभी में ग्राफिक्स ऐड कर लेना। ओके, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ग्राफिक्स ऐड करने के बाद फोटो में आप ट्रांजिशन ऐड करना है, तो मैं ट्रांजिशन ऐड कर लेता हूँ। एक ऑप्शन से बीच में बॉक्स का आइकन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने कुछ ट्रांजिशन डाउनलोड कर रखे, आपने इस ट्रांजिशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो गाइज ये वाला, ठीक है, आपने इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा, आपको नीचे खिसकाना है और एक ऑप्शन से गेट मोर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज देख लीजिए ओपन हो चुका है। जब भी आप ओपन करो आपका नेट कनेक्शन ओपन होना चाहिए और साइड में कुछ ऑप्शन से नीचे खिसकाना लास्ट और एक ऑप्शन से वेब आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ट्रांजिशन आ चुका, आपको नीचे खिसकाना है और यहाँ पर ट्रांजिशन आ चुका, आपने इस ट्रांजिशन को डाउनलोड कर लेना है। सो मैंने डाउनलोड कर रखा, तो मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और टिक पे क्लिक करा, जो सेकंड बॉक्स से क्लिक करना है और आपने उसे ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मैं उसे ट्रांजिशन को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और आपने जितनी भी फोटो सेलेक्ट कर रखी है आपने सभी में इस ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है। ओके, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज देख लीजिए फोटो में ग्राफिक्स और ट्रांजिशन ऐड हो चुके हैं और बीच में कुछ लेयर गाइज छोटी हो चुकी है, उन्हें लंबा करना है। ठीक है, खींचना हल्का सा, तो मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ और इसकी लेंथ हल्की सी लंबी करनी है। ठीक है, जो गाइज लेयर है छोटी हो चुकी है उन्हें हल्की सी लंबी करनी है। आपकी भी लेयर छोटी होती है तो गाइज हमने लंबी कर लेनी है। ठीक है, तो लंबी कर लेता हूँ और जो लास्ट की लेयर है इस हल्का सा छोटे कर लेना है और जो फर्स्ट की लेयर गाइज, ठीक है, इसे भी हल्का सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो चुका है और टिक पे क्लिक करा। गाइज देख लीजिए इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है। अब करना क्या है, इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करना है, तो मैं सेव कर लेता हूँ। एक ऑप्शन से शेयर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन से एक्सपोर्ट क्लिक करना और गाइज आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। वीडियो सेव होने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फिर से काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, साइज सेलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर मीडिया क्लिक करना है और गाइज आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट में एक ऑप्शन शो कर बैकग्राउंड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ कलर शो कर रहे हैं, आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और टिक पे क्लिक करना है। गाइज देख लीजिए ब्लैक लेयर आ चुकी है, जो ब्लैक लेयर इसकी लेंथ लंबी करनी है, सो मैं इसकी लेंथ लंबी कर लेता हूँ। ब्लैक लेयर पर क्लिक
करा और इसकी लेंथ लंबी कर ली, ठीक है। तो मैंने 14 सेकंड की कर ली, ठीक है। क्या करना है, इसमें एक वीडियो ऐड करनी है जो हमने अभी एक्सपोर्ट करी थी, उस वीडियो को ऐड करना है। ओके, सो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे, उस वीडियो को सिलेक्ट करना, वीडियो आ चुकी है, और टिक पे क्लिक करा और इसमें एक ब्लैक स्क्रीन फोटो ऐड करनी है। सो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो फोटो डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, उसे ऐड करना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। फ़ोटो ऐड करने के बाद फ़ोटो आ चुकी है, जो फ़ोटो है इसकी लेंथ लंबी करनी है, लंबी करने के बाद जो फ़ोटो है इसका साइज़ बड़ा करना है। तो मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आपने इस तरीके से सेट करना है, सेट करने के बाद टिक पे क्लिक करा, गाइज़ देख लीजिए इमेज सेट हो चुकी है। और अब करना है क्या, जो वीडियो वाली लेयर है क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसका साइज छोटा करना है, छोटा करने के बाद जो ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, इसमें सेट करना है। तो गाइज मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, सेट करने के बाद टिक पे क्लिक करा, गाइज देख लीजिए वीडियो ब्लेड के अंदर सेट हो चुकी है। आपने इस तरीके से सेट करना है, तो मैं इसे हल्का सा घुमा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब सेट हो चुका है, ठीक है। आपने इस तरीके से सेट करना है, सेट करने के बाद अब करना है क्या, इसमें एक इफेक्ट वीडियो ऐड करनी है। ओके, सो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो इफेक्ट वीडियो डाउनलोड कर रखी है उसे ऐड करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज वीडियो आ चुकी है, जो वीडियो है इसका साइज फुल करना है, फुल करने के बाद टिक पे क्लिक करा, जो इफेक्ट वीडियो है क्लिक करना है, और साइड में कुछ ऑप्शन हो रहे हैं नीचे इसका ना, और एक ऑप्शन आ चुका ब्लेंडिंग, क्लिक करना है, कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है स्क्रीन और टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए वीडियो में इफेक्ट ऐड हो चुका। आपने इस तरीके से इफेक्ट ऐड करना है, ऐड करने के बाद अब करना है क्या, इसमें पीएनजी ऐड करनी है। सो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो पीएनजी डाउनलोड कर रखी है उसे सिलेक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज पीएनजी आ चुकी है, जो पीएनजी है इसकी लेंथ लंबी करनी है, लंबी करने के बाद जो पीएनजी है इसे सेट करना है। तो मैं पीएनजी का साइज़ छोटा करता हूँ, छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, सेट करने के बाद टिक पे क्लिक करा, गाइस देख लीजिए पीएनजी सेट हो चुकी है। आपने इस तरीके से पीएनजी को सेट करना है, सेट करने के बाद इसमें एक पीएनजी और ऐड करनी है। सो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने उस पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज पीएनजी आ चुकी, जो पीएनजी है इसकी लेंथ लंबी करनी, लंबी करने के बाद इस पीएनजी का साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा करने के बाद यहाँ पे सेट कर लेना। ओके, तो गाइज मैं सेट कर लेता हूँ, सेट करने के बाद टिक पे क्लिक करा, गाइज देख लीजिए पीएनजी सेट हो चुकी है। अब करना क्या, इसमें एक इफेक्ट वीडियो ऐड करनी है। सो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो इफेक्ट वीडियो डाउनलोड कर रखी है आपने उसे सिलेक्ट करना। ओके, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए वीडियो आ चुकी है, और बगल में कुछ ऑप्शन हो रहे नीचे की इसका ना, और एक ऑप्शन आ चुका क्रोमा की, क्लिक करना है, इस ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन हो रहा की कलर, आपने यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना और टिक पे क्लिक करना, और गाइज देख लीजिए ग्रीन हट चुका है, जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपने इसे घुमा लेना है, मतलब रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद गाइज मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ, छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके, तो गाइज मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसे हल्का सा मैंने घुमा लिया, घुमाने के बाद मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सेट हो चुका है, आपने इस तरीके से सेट करना है। और गाइज जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो इसमें हल्का सा ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है, तो इसे वाइट करने के लिए करना क्या होगा, बगल में कुछ ऑप्शन जो नीचे खिसकाना है, खिसकाने के बाद एक ऑप्शन आ चुका है एडजस्टमेंट, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तीन लाइन शो कर रही है, जो फर्स्ट लाइन है आपको प्लस करना है, और सेकेंड लाइन को माइनस करना है, और थर्ड लाइन को प्लस करना है, ठीक है, फुल कर लेना है, और टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए वाइट हो चुका है, आपने इस तरीके से वाइट करना है। वाइट करने के बाद गाइज देख लीजिए वीडियो अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है। आपने इस तरीके से वीडियो एडिट करनी है, और अब करना है क्या, इसमें साउंड ऐड करना है। तो गाइज इस वीडियो में साउंड ऐड हो चुका है, आपने जो इफेक्ट वीडियो ऐड करी है मैंने इसमें साउंड ऐड कर रखा है। तो गाइज इस वीडियो में साउंड ऐड हो चुका है। अब करना है क्या, इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करना है, तो मैं सेव कर लेता हूँ। एक ऑप्शन वगैरह शेयर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी, क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर एक्सपोर्ट, क्लिक करना। और गाइज आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है।